हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस वैसे तो ये सेशन जो है 2020 में जो बच्चे जेई देने जा रहे हैं उनके लिए है वैसे ये सेशन कोई भी देख सकता है जिसको अपना रिवीजन फिजिक्स में करना हो मैं सौरभ कुमार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस पहले सेशन में मैं आपको आज काइनामेटिक्स पढ़ाऊंगा जिसमें मोशन इन वन डी एंड मोशन इन टू डी दोनों जो हैं दैट आर इंक्लूडेड राइट तो जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ माई नेम इज सौरभ कुमार आई हैव डन बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम बींग ए गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट एज वेल And the, for the past twenty years, I am being training students for IIT and other engineering entrances. Right, in Vidya Mandir classes, I am director academics and head of the department of physics. Right, so let us start with the session of today, which will include motion in one and. तो तो right? तो सबसे important बात ये है है कि कि बेटा देखो आपने जब जब पढ़ा होगा 1D और 2D, motion जब 11th class के starting में में तो इसको पढ़ने तो काफी लगता है, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय लगता है उसको हम कंडेंस्ड करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेके आ जाएं जिससे कि आपका पूरा थोड़ा रिवीजन हो जाए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं मतलब क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा तो मैंने पहले से लिख के आपके लिए तैयारी करके रखी है और आप लोग जहां पे आपको लगता है कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप याद रखना चाहते हैं वहां पे आप वीडियो को पॉज करके करके जो है या रिविजिट उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं बट वन टू ऑल जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मोशन में होती हैं जो कोई भी जना पढ़ाता है या इसको पढ़ाने में महीने से डेढ़ महीना लगता है वो सब हम अगले साठ सत्तर मिनट में पूरा करने की कोशिश करेंगे और यही इस सीरीज की जो खासियत है वो यही है कि जो हमने महीनों में पढ़ा है उसे हम घंटों में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव uh, रिकैप या मोस्ट इफेक्टिव रिविजन या पावर्ड क्लासेस राइट चलिए मैनमेटिक्स पढ़ने में सबसे पहले हमें क्या याद हमें क्या पता करना होता है सबसे पहले हमें करना पता करना होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम लोग अपने फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को मानते हैं जिसके अंदर एक एक्स एक्स है एक एक है है और एक Z है। फिर हम क्या डिफाइन करते हैं फिर हम पोजिशन डिफाइन करते हैं तीन तरीके होते हैं को डिफाइन करने के आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे अपने हाँ पर एक है कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरा है पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से पॉइंट पी को जॉइन करने वाला वेक्टर जो है जिसको हम क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अः जो ये वाला वेक्टर है ये क्या है पोजीशन वेक्टर है जिसको हम लिख सकते हो बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप राइट सिमिलरली कुछ लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यूज करते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा यूज होते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो आर थीटा है और कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो आर थीटा है हालांकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बहुत ना के बराबर यूज करते हैं बट स्टिल आपको पता होना जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट में आता है तो कोई डरने घबराने की जरूरत एग्जाम में नहीं है ठीक है तो हमने यहां पर आपको तीन तरीके बताया कि कैसे आप पोजीशन ले सकते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया मोशन को हमने तीन तरीके में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वन डायमेंशन मोशन एक टू डायमेंशन मोशन और एक थ्री डायमेंशन मोशन वन डायमेंशन मोशन यानी जहां पर समय के साथ टाइम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो चाहे वो वाई कोऑर्डिनेट हो और चाहे वो जेड कोऑर्डिनेट हो और इस वन डी मोशन को हम सभी लोग किससे किस नाम से भी जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं उसके बाद हमने पढ़ा दूसरी तरीके का मोशन टू डायमेंशनल मोशन जिसमें हम कहते हैं कि दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करते हैं चाहे वो एक्स वाई हो चाहे वो वाई जेड हो और चाहे वो जेड एक्स हो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम मोशन इन ए प्लेन भी कहते हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा हम अभी भी उसको पढ़ेंगे इसी तरीके का मोशन है थ्री डायमेंशनल मोशन जहां पे जो पार्टिकल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं यानी एक्स भी वाई भी और ZB, इसको हम बोलते हैं motion in space. लेकिन जो पढ़ने का जो बेसिक तरीका है कैनमेटिक्स को वो है कि हम वन डी मोशन को पढ़ते हैं उसके बाद टू डी और थ्री डी को उसी से हम लोग जो है आगे स्टडी कर लेते हैं वन डी मोशन की हेल्प से ही सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स

डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जिसको वेक्टर ट्राइंगल के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम लिख, हमेशा लिखते हैं हम आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर यानी मैं इसको लिख सकता हूं पोजिशन वैक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट बहुत बार जेई मेन्स में इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पूछी है एक आध बार पूछी भी है एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल को ले उसके दे दिए और, और फिर आपको अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना भूल गए हैं आप आर टू माइनस आर वन तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन है राइट तो इसका यूज खाली इसमें नहीं है कि हम कैनामेटिकल पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं इसका यूज इसमें भी है कि आगे वर्क वगैरह में भी इसको हम लोग बहुत जगह पर यूज करते हैं फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ते हैं वो है एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या है एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हम करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वेलोसिटी को हम मैथमेटिकल एवरेज ना समझे है ना तो इसको हम लोगों ने जो डिफाइन किया हुआ है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है उसको हमने डिफाइन करा हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकिंग ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे लिख सकते हैं ये तो सिंपल है ये तो फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया r2 माइनस वन आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लिख सकते हैं आ, यहीं पे लिख लेते हैं वैसे तो क्योंकि सभी लोग पढ़ चुके हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन देन जो एवरेज वेलॉसिटी है दैट कैन बी रिटर्न एज वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो नॉर्मली आप हमेशा मैथमेटिकल एवरेज नहीं ले सकते हैं सिर्फ कब आप मैथमेटिकल एवरेज लेंगे हम मैथमेटिकल एवरेज सिर्फ तब लेंगे जब जो बॉडी है वो किससे मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम कह देते हैं कि इट इज द एल्जेब्रिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी And the final velocity, right? जैसे अगर आप पूछे की एवरेज वेलॉसिटी तो की डायरेक्शन हो क्या होगी तो एवरेज वेलॉसिटी की डायरेक्शन आर टू माइनस आर वन यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी

मोशन तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन ना कब कब एप्लीकेबल होती है पहली चीज तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए दूसरी बात पॉइंट मास होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप हमेशा लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है दूसरा बात पॉइंट मास होना चाहिए और तीसरी बात स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं नाइंथ क्लास से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हुए आ रहे हैं v is equal to u at s ut 1/2 at² एंड v² u² 2as आई थिंक एवरीबॉडी ऑफ यू नो दैट

Nth second, अगर हमें लिखना है तो डिस्टेंस so मतलब इन हम कब यूज करेंगे जब हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टेंथ सेकंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड इस तरीके के जब प्रॉब्लम आते हैं तब हम इक्वेशन को

तब तब कैसे लिखा जाएगा इसको तब हम इसको हम लिखते हैं कि राइट right? तो इस तरीके से हम उस केस में लिख सकते हैं आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू इज गेटिंग सो ये बेसिक इक्वेश की बात हो गई कैनमेटिक्स में अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये इसको सब लोग बड़े ध्यान से सुने मैं बीस साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने ट्वेल्थ पास के बच्चों में भी देखा है कि ये कन्फ्यूजन रहती है ठीक है तो ये क्या कन्फ्यूजन है इसको आज हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं क्योंकि अभी आप कुछ दो तीन महीने बाद इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाले हो वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक सबसे पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है और उसमें इन सब चीजों में बहुत गलती होती है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा जो हमारे हमें थोड़ा सा भी हमसे मिले विद्या मंदिर वालों से उनके बाद कोई भी मिसकनसेप्शन उनके अंदर रहना चाहिए ठीक है हमारे मन में दिमाग में ये रहता है कि अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो हमेशा रिटार्डेशन होगा यानी बॉडी जो है वो स्लो डाउन करेगी ठीक है जबकि ऐसा नहीं है तो इसको एक बार इस बार ध्यान से देखिए कि देखिए मेरी बात को सिर्फ इतना समझिए कि जब कभी भी विलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी तब तक जो है बॉडी स्पीडअप करेगी और जब कभी भी वेलोसिटी और की डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी यानी स्पीड डिक्रीज करेगी वेलोसिटी का मैग्निट्यूड जो है वो डिक्रीज करेगा फिर से ध्यान से सुनिए अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो बॉडी अप करेगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जब कभी भी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो स्पीड डाउन होगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमने आपको दिखाया है कि दोनों जो हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है इसलिए बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है दूसरे वाले केस में अगर आप राइट हैंड में देखेंगे तो क्या है कि विलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि अभी अपोजिट तो रही अब जैसे यहां पे है तब भी बॉडी क्या हो रहा, है? हो रहा है।, उसकी जो हो रही है वो क्या हो रही है कम हो रही है ठीक तो है, है। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा रिटार्डेशन होगा फोर्थ केस अगर हम देखते हैं तो देखिए दोनों नेगेटिव हैं बट दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं इसलिए स्पीड जो है इस केस में क्या होगी इंक्रीज होगी एक्सेलरेट होगी तो केस नंबर टू और केस नंबर फोर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट्री है हमारी सोच के केस नंबर टू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब भी स्पीड खत्म कम हो रही है

ठीक है और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने क्या यूज किया कि हमने कहा कि भाई हमारे पास एक्स जो वाई एक्सेस है और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो निगेटिव है, है, है अब ये पूरी दुनिया में सब लोग ये बात जानते हैं कि ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा किधर एक्ट करती है बेटा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट करती है डाउनवर्ड एक्ट करती है इसलिए जी हमारे लिए हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा जी हमारे लिए हमेशा कैसा होगा नेगेटिव होगा इसके बारे में कभी दोबारा आप नहीं सोचेंगे ठीक है हमने फिर से रिपीट कर रहा हूं हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं होता हमारे पास यहां पर रिपीट करने के लिए पर स्टिल अपवर्ड uh, डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान रहे हैं जी हमेशा नीचे ही एक्ट करता है इसलिए पूरी जिंदगी भर अब जी कैसा लोगे निगेटिव लोगे ठीक है कंफ्यूजन उसमें कोई नहीं करोगे ठीक है अब क्या क्या हो सकता है भाई आपने बॉल ऊपर फेंकी पार्टिकल को ऊपर फेंका ऊपर फेंका बेटा तो डायरेक्शन पॉजिटिव किसी चीज को नीचे फेंका डायरेक्शन कैसी बेटे निगेटिव तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई जी की डायरेक्शन हो गई मतलब एक्सलेशन पता चल गया जब आपने नीचे से ऊपर फेंका बेटे तो, तो इनिशियल ये हो गई, गई। तो करोगे तो वेक्टर ऐसा ही बनेगा नीचे से फाइनल की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन किधर पॉइंट कर रहा है अपवर्ड पॉइंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को कैसा लेंगे हम लोग पॉजिटिव लेंगे अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका है तो देखिए इनिशियल पोजिशन ऊपर फाइनल पोजिशन नीचे डिस्प्लेसमेंट तो तो सी सी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ठीक है तो ये कंफ्यूजन किसी के अंदर मन में अब दोबारा नहीं आना चाहिए हम सिंपल और सिंपल जो है कार्टीजियन साइन ले रहे हैं अपवर्ड चीजें पॉजिटिव अपवर्ड वेक्टर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड वैक्टर्स नेगेटिव राइट अब इसी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी होते हैं जो हम कह सकते हैं याद करने के लिए याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि, कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं ठीक है तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है टू यू अपॉन जी ठीक है मुझे लगता है सब लोगों को याद होगी पर तब भी मेरा फर्ज है कि मैं सारी चीजें बता रहा हूं तो मैं किसी भी चीज को छोड़ूंगा नहीं ठीक है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स यू बाई जी मैक्सिम हाइट बाई टू जी ठीक है ये किसके लिए है देखिए बड़े ध्यान से इसमें बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ठीक है किसी को ऊपर फेंक दिया हमने u वेलोसिटी से ठीक है ये ऊपर तक गया फिर ऊपर इसकी वेलॉसिटी जीरो हुई और ये नीचे वापस आ गया राइट

T1 पे यह यहां पर है और फिर लौट के टी इज टी टू पर दो बार होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है हमेशा और जो ये कॉमन हाइट है मान लीजिए ये हाइट जिस पर ये दो बार है इस हाइट को मैंने एच ले लिया तो इस एच की वैल्यू जो होगी वो हाफ जी होगी, ठीक है? इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि ऐसी चीजें आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को क्या कर सकती हैं? बहुत फास्ट कर सकती हैं। ऐसी चीजें आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट कर सकती हैं। अगर आपको ऐसी चीजों के बारे में पता है तो ठीक है वरना आप इसे कैलकुलेट करते ही रह जाओगे लगाओगे है ना S ut square, और उसमें बहुत सारा समय चला जाएगा जितना समय इंतहान में हमारे पास नहीं होता है ठीक है तो ये कॉमन मिस्टेक भी थी बेटे जो जी वाली मैंने आपको बताई है ये कॉमन मिस्टेक भी है जिसको अब हम आज के बाद नहीं करेंगे ठीक है सिमिलरली आपने यहाँ पर फेंक दिया इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं अगर कहीं पे लिखा है ड्रॉप्ड अगर कहीं पे लिखा है वर्ड ड्रॉप्ड तो ड्रॉप का मतलब होता है कि u इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या होगी जीरो होगी ठीक है कहीं पे अगर लिखा है थ्रोन अगर कहीं पे लिखा है थ्रोन तो थ्रोन का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है ठीक है चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर हम किसको यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग कैलकुलस को यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किसको है? किसको यूज करते हैं कैलकुलस को यूज करते हैं आप सभी जानते होंगे कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डीएक्स बाई डी पर यहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए सिमिलरली एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी पे

यानी को डिफरेंशियट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी वेलोसिटी को डिफरेंशियट करेंगे तो एक्सलरेशन मिलेगा और इसका अगर हम उल्टा चलते हैं मतलब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें है हमें हमें वेलोसिटी निकालनी और अगर वेलोसिटी दी हुई है और हमें एक्सलरेशन निकालना है सॉरी वेलोसिटी दी हुई है हमें पोजिशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे यानी अगर आप जैसे मैंने लिखा है राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे और राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बात जो है ना बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि कब डिफरेंशिएट करना है और कब इंटीग्रेट करना है बहुत सारे बच्चे अभी तक मतलब पढ़ भी लेते हैं पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर भी ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कब डिफरेंशिएट करना होता है और कब इंटीग्रेट करना होता है ठीक है तो आप इसी तरीके से लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेशन लेफ्ट टू राइट right चलेंगे डिफरेंशिएट राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इंटीग्रेट राइट चलिए

ठीक है अब आप यहां पर देखिए कि जो है ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं ये सबको रटे हुए होने चाहिए ये जो मैंने चार और तीन सात और दोनों और दो ग्यारह ग्राफ जो बनाए हुए हैं ये सारे बच्चों को बिल्कुल एकदम रटे हुए होने चाहिए इसमें कोई इफेंट बट नहीं है ठीक है अगर किसी को ये याद नहीं है तो ये उसकी प्रॉब्लम है ठीक है और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है राइट कि अब पोजिशन टाइम में देखिए कि पैराबोलिक है तो सभी जानते हैं इक्वेशन से अगर एक्स कॉर्डेटिक uh, जो टर्म है टी स्क्वायर उसका कॉफिशियंट अगर पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा और कॉफिशियंट अगर निगेटिव होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा ठीक है और इस ग्राफ के अंदर क्या क्या है देखिए ये तो सारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं आप इनको आंखों में बसा लीजिए याद कर लीजिए दिमाग में बसा लीजिए और कभी भी दोबारा इस पे हमें डिस्कशन नहीं करना पड़े यही बहुत अच्छी बात है अब हम जो है बेसिकली इसमें इसके कुछ ग्राफ के जो मेजर पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं एक बार की क्या क्या मेजर पॉइंट है ग्राफ के जो हमें ध्यान रखने होंगे ठीक है पहली बात तो ये आप सभी लोगों को पता होगी मुझे उम्मीद है कि स्लोप इज पॉजिटिव

gives velocity gives velocity right then slope of vt graph any velocity time graph gives acceleration slope of vt graph gives acceleration and slope of at graph gives nothing right then then next important point ki area under xt graph gives the distance and displacement gives distance or displacement ठीक है अब कब distance देगा और कब displacement देखा इसको एक बार जरा नजर मार लेते हैं कि हमने मान लीजिए कोई भी एक एक्स-टी ग्राफ बनाने का प्रयास किया दिस इज एक्स दिस इज टी और इसमें ना कुछ रीजन पॉजिटिव है और कुछ जो है है। so रीजन जो है इसका निगेटिव है ठीक है सो लेट से दिस इज वन एंड दिस इज ए टू ठीक है ये ए वन रीजन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ए टू रीजन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ए टू रीजन जो है वो किस में जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है राइट right? तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा यहीं पे लिख लेते हैं साइड में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इट विल बी मॉड ऑफ ए वन प्लस मॉड ऑफ ए टू मतलब दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे दोनों एरिया को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम करेंगे मॉड ऑफ ए माइनस Mod of A2. Positive area में से निगेटिव एरिया को क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा पॉजिटिव एरिया में से निगेटिव एरिया को क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा ठीक है यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्या करना है दिमाग में अपने रखना है ठीक है फिर जो अगला पॉइंट है वो है एरिया अंडर वीटीग्राफ ठीक है तो जैसे हमने मान लीजिए बनाया है कोई भी ग्राफ यहाँ पर राइट ये वीटी है हमारे लिए वीटी ग्राफ है सॉरी चेंज इन सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर uh, एक सेकेंड ये एक्स नहीं है ये वी है ठीक है और ये वी नहीं है ये ए है ठीक है तो ये वी टी ग्राफ हो गया राइट ये भी वीटी ग्राफ हो गया और ए टी ग्राफ हो गया राइट ए टी ग्राफ सो so, अगर यहां पर भी कुछ पॉजिटिव एरिया है हमारे पास और कुछ नेगेटिव एरिया है हमारे पास ठीक है ए वन ए टू तो देखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा कैलकुलेट होगी नेट एरिया से ठीक है तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए वन मॉड माइनस ए टू मॉड राइट तो नेट एरिया निकाल लेंगे और चेंज इन नेट एरिया जो होगा वही चेंज इन वेलोसिटी होगी ठीक है इसमें मतलब दोनों काउंट करने पड़ते हैं राइट सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कोरलरी विच यू कैन रिमेम्बर फ्रॉम द थ्योरी ऑफ ग्राफ्स राइट अब हम आ जाते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, पर जो है टू डायमेंशन मोशन यानी मोशन इन टू बी ठीक है तो ये समझ लीजिए जो महीनों की पढ़ाई है जो मैंने आपको बताया था वो हम मिनटों में कर रहे हैं यहाँ पे है ना महीनों की पढ़ाई को मिनटों में कन्वर्ट कर रहे हैं घंटों में कन्वर्ट कर रहे हैं यही इस सेशन की खासियत है राइट right? तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है टू डी मोशन की बात करें टू डी मोशन बताया आपको कि जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तब उस मोशन को क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे उसके बाद जो टू डी मोशन कब क्यों होता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते टू डी मोशन क्यों होता है टू डी मोशन इसलिए होता है जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सलरेशन एक दूसरे के पैरल नहीं होते हैं मतलब एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे होते हैं तब मोशन जो है वो टू डायमेंशन होता है यानी जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर वेक्टर नहीं है तब तब मोशन कैसा होगा टू डायमेंशनल मोशन होगा ठीक है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी भर याद रखने वाला पॉइंट है ना कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल कर्व लिनियर पाथ पे चलता है कर्व लीनियर पाथ मतलब कोई भी कर्व पाथ है ना कोई भी पार्टिकल जब कभी कर्व लीनियर पाथ पर चलता है तो उसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा किधर डायरेक्टेड होता है कंकेव साइड ऑफ द कर्व पे डायरेक्टेड होता है फिर से समझ लीजिए कोई भी पार्टिकल अगर कर्व्ड पाथ पर चलता है कर्व लीनियर पाथ पर चलता है तो उसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो किधर डायरेक्टेड होता है कंकेव साइड ऑफ द कर्व पर डायरेक्टेड

हो रहा होगा जब भी कोई पार्टिकल जो कर्व पाथ पर चल रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा होगा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा ठीक है है तो जो नेट लिखा गया है, वो देखिए हमने कैसे लिखा है ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल वेक्टर, राइट और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए नेट एक्सलेशन को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर ठीक है तो इसकी बात ये हो गई अगर हमें कहीं पर भी क्या निकालना है जो है टू तो डी मोशन में अगर कोई चीज़ चल रही है, तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं तो हम सारे जो मैंने शुरू में बताया था क्लास के इस सेशन के कि हम जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको हम अलग अलग डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेंगे और रिजोल्व कर इंडिविजुअली

तो जो x और y के बीच की इक्वेशन आएगी उसी को हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी बोलेंगे right? Then, projectile motion, बहुत important motion, projectile motion आपकी स्क्रीन पर है, सारे important आपके सामने लिखे हुए हैं और प्रोजेक्टाइल को अगर आप देखिए ध्यान से तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है लेफ्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि velocity का एक component उसको ऊपर ले जा रहा है और एक कंपोनेंट उसको राइट right वर्ड ले जा रहा है अगर आप लेफ्ट हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको नीचे लेके आ रहा है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको राइट right वर्ड ले जा रहा है प्रोजेक्टाइल में याद रखने की चीजें क्या क्या है दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की पहली कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं करती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है

equation of trajectory is given as y is equal to x 10 theta minus gx square upon 2u square cos square theta time taken to reach the maximum height is u sine theta by g whereas the total time of flight is 2u sine theta by g the maximum height is u square sine square theta by 2g and the range of ground to ground projectile is u square sine 2 theta by जी तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड होते हैं अब इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें जो समझने की हैं वो ये हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेंज को लेके पहली बात कि रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री आई थिंक एवरीबडी नोज दैट दैट इज आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो होती है वो क्या होती है सेम होती है जैसे आप देखिए कि ब्लू ब्लू वाले जो दोनों प्रोजेक्टाइल दिखाए हैं वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री सॉरी है ना फिर ग्रीन ग्रीन वाले देखिए प्रोजेक्टाइल दोनों वो उसकी रेंज भी सेम है एक 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है और एक 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है और हाइएस्ट किसकी है रेड वाले प्रोजेक्टाइल की है जिसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है फोर्टी 5 डिग्रीज है राइट right? उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है रेंज uh, के टर्म्स में वो होती है y is equal to x tan थीटा 1 x by r इसका भी बहुत बार इस्तेमाल होता है काफी बार हमसे पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या होगा तो इस डायग्राम को आप देख के देख सकते हैं कि tan phi को हम लिख सकते हैं vy upon vx यानी vy होती है हमारी u sin थीटा gt और vx होता है हमारा u cos थीटा फिर जैसे एक पार्टिकल जिसको हम ऊपर फेंकते हैं वो एक ही हाइट पे दो बार रहता है ऐसे ही प्रोजेक्टाइल भी एक ही हाइट पर दो बार रहता है और उन दोनों टाइम अगर हम ले लेते हैं टी वन और टी टू और वो कॉमन हाइट है वाई तो टी वन प्लस टी टू होता है कैपिटल टी और जो कॉमन हाइट वाई है उसकी वैल्यू हो गई हाफ जी टी वन टी टू राइट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजेक्टाइल को लेके फिर काफी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए हाइट से आते हैं ठीक है तो फायर्ड फ्रॉम ए हाइट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंक देते हैं एक हाइट से अगर हॉरिजॉन्टल फेंक देते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट टू एच बाई टू एच बाई जी और उसकी रेंज होती है वी अंडर रूट टू एच बाई जी कई बार हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक देते हैं या फिर नीचे फेंक देते हैं तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका प्रोसेस प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप याद कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने यू से ऊपर फेंका तो हमने यू के दो कम्पोनेट कर लिए यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा और एक्स तो हमेशा जीरो ही है ए वाई की वैल्यू माइनस जी है ये बात भी हम पूरी अच्छे से कर चुके हैं फिर हमने नीचे जाने का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने कर दिया एस वाईज टू यू वाई टी प्लस हाथ A y t square, और ऊपर से नीचे आ रहा है बात अभी की थी थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी नेगेटिव होगी यानी माइनस एच इज इक्वल टू साइन थीटा टी माइनस जब आपके पास क्वेश्चन होगा आपके पास वैल्यूज होंगी आप इस टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं उसके बाद रेंज जो हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया यानी यू कैपिटल हो गया। Similarly, जिस जब हमने नीचे फेंका तो सिर्फ क्या आएगा के कंपोनेंट में फर्क आ गया यूकोटा जो है रहा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस बार माइनस यू साइन थीटा हो गया एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी जीरो है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी भी माइनस जी है और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भी अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच हो गया तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यूटर टी माइनस हाफ जी टी स्क् टी की वैल्यू मिलेगी और रेंज निकालनी है तो रेंज फिर से जो है हमारी हॉरिजोंटल वेलोसिटी इन टू टाइम हो जाएगी राइट right? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए प्रोजेक्टाइल के उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन देखिए ग्राउंड टू ग्रैंड प्रोजेक्टाइल के तो फॉर्मूले अगर आपसे एक परसेंट वैसे सबको याद भी रहते हैं पॉइंट जीरो वन परसेंट भूल गए तो डराइव करने में भी टाइम नहीं लगता है ठीक है बट इंक्लाइन प्लेन में ड्राइव करने में भी टाइम लगता है और भूल गए तो बहुत परेशानी होगी तो इंक्लाइन प्लेन में मेरा सजेशन ये है कि आप इन जो ये पेज जो मेरा बना हुआ है इसको बिल्कुल रट लीजिए आप इसको अपनी आंखों में बसा लीजिए ठीक है रात को दो बजे भी उठा के कोई पूछे तो आप ये सारे आंसर दे दें ठीक है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन द ऑन द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन देखिए हमने क्या बनाया है इनक्लाइंट प्लेन हॉरिजोंटल से बीटा एंगल पर है और यू विलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का यूज किया है यानी हमने एक्स एक्सिस को प्रोजेक्टाइल इन अलोंग द इनक्लाइंट प्लेन ले लिया है और वाई एक्सेस को परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइंट प्लेन ले लिया है इसमें और नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जी के दो कंपोनेंट हो जा रहे हैं जी कॉस बीटा और जी साइन बीटा तो एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और

अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज कितना आता है पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू तो दिस अल्फा इज फॉर आर मैक्स अल्फा किसके लिए है मैक्स के लिए है राइट दिस अल्फा इज फॉर आर मैक्स ये याद रखेंगे फॉर आर मैक्स राइट आर मैक्स के लिए अल्फा है इसके बाद जो मैक्सिमम रेंज अप द्लाइन प्लेन है वो कितनी हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वन प्लस साइन बीटा

तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी फोटो खेल लो इसको अपनी कॉपी पे लिख लो और इसको रट डालो ठीक है तो ये फॉर्मूले हो गए इनक्लाइंट प्लेन के और ये डायरेक्ट आ सकते हैं ये जो मैं अगले चार पांच पॉइंट दे रहा हूं ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं मेंस में भी एडवांस में भी किस कहीं पर भी राइट इसको रट लीजिए इसके डेरिवेशन तो अब आप करने की जरूरत इस समय मुझे लगता नहीं किसी को है अगर कोई इंक्लाइन कोई प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करे

इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वॉट इज द टाइम टेकन फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी तो ये होता है यू अपॉन जी cos अल्फा राइट right? इसके बाद हम सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं सर्कुलर मोशन में सिर्फ दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमें आपको बताऊंगा ज्यादा दो नहीं बताऊंगा ठीक है कि एक तो बात हो गई कि आप आप एंगुलर एंगुलर लिखनी लिखनी है 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 तो तो लिख सकते हैं से ठीक अग, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी हम लिख सकते हैं थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ठीक है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी सिमिलरली अगर हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ठीक है या इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई राइट। right? बहुत सारे बच्चे जो हैं, रही है, तो अपने राइट हैंड के, को ऐसे, के आए, फिंगर ऐसे तो थम कर रहा है अपवर्ड यानी एंगुलर वेलॉसिटी जाएगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर कोई चीज क्लॉक घूम रही है तो आपको राइट हैंड लेके आइए थम किधर पॉइंट कर रहे हैं डाउनवर्ड तो एंगुलर किधर होगी डाउनवर्ड होगी ठीक है एल्फा की डायरेक्शन देने का कोई फॉर्मूला नहीं बना है उसको हम इसी फंडे से याद करेंगे कि जो हमने कैनामेटिक्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेम होती है तो बॉडी स्पीड अप करती है और अगर वेलोसिटी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो बॉडी स्पीड डाउन करती है राइट right? तो हमने पहला बना लिया कि भैया बॉडी क्लॉकवाइज घूम एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा स्पीडिंग अप है तो एंगुलर एक्सलेशन को भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होना होगा स्पीडिंग डाउन है तो एंगुलर एक्सेशन को इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर होना होगा दोनों को ऑपोजिट होना होगा सिमिलरली अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दोनों वेक्टर को ओमेगा और एल्फा को इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर होना होगा और स्पीड डाउन कर रही है तो दोनों को ऑपोजिट होना पड़ेगा जैसे हमने लीनर कैनमेटिक्स में पढ़ा था कि एक्सेलेशन के दो तरीके हो गए एक कांस्टेंट और वेरिएबल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे और वेरिएबल एक्सेलरेशन में हम कैलकुलस यूज कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एक बार नजर मार लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी क्योंकि अब हमें नुमेरिकल्स भी करने हैं थ्योरी तो बहुत हो गई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइज अल्फा थीटा राइट और कैलकुलस में सब लोग जानते हैं अभी अभी हमने लिखा है कि क्या क्या चीजें होती है राइट right? इसके अलावा बहुत बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर कभी भी किसी भी किसी पार्टिकलियर पाथ पे चल रहा है तो उसके किसी भी पॉइंट को लेके अगर हम सर्किल को कंप्लीट करते हैं तो उसका जो रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि सेंट्रीब्यूटर एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होगा वो वी स्क्वायर बाई होगा और जो v2 मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन तो रोस रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो रो की वैल्यू होगी v2 a काफी बार क्या है बेटा कि कुछ जगहों पर आपको ऐसा भी मिलेगा कि मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हमें दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ये डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं एक चीज और देख लेते हैं कि भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें लिख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो ए टेंजेंशियल जो है जीरो होगा ए नॉर्मल देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब एक ही बात होती है ठीक है ठीक है जिसकी वैल्यू हो गई वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एटी भी जीरो नहीं है और ए एन तो जीरो होता ही नहीं है क्योंकि ए एन जीरो क्यों नहीं होगा बेटा क्योंकि ए एन की वजह से ही चीज घूमती है ठीक है सो so, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए जैसा मैंने शुरू शुरू में ही बताया हुआ है आपको उसको फिर से रिपीट मार देता हूं ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर ठीक है इससे ज्यादा रिपीट मारने की जरूरत नहीं है राइट कई अच्छा यूनिफॉर्म के अंदर एक केस जैसे ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कि ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं टू पाई एफ राइट वेयर एफ ज द फ्रीक्वेंसी इन आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड ठीक है बट तो हमें तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन रोटेशन में और कर लेंगे बट अभी के लिए इतना काफी है कि एफ RPM में होगी ठीक है कोई भी इक्वेशन हम लगाते हैं तो ध्यान रखना होगा कि सारे चीजें या तो रेडियन में होनी चाहिए या फिर सारी चीजें रेवोल्यूशन में होनी चाहिए और ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टू पाई रेडियंस राइट तो ये सारे न्यूमेरिकल करने में आपको सर्कुलर मोशन के काम आएगा चलिए हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल से ठीक है यू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर हम लोग जनवरी के क्वेश्चन करेंगे जनवरी जेई मेंस के और फिर अलग से कुछ क्वेश्चन करेंगे इन प्रोजेक्टाइल <coughs> तो मैं जस्ट आपको दो केस करके दिखा रहा हूं बाकी केस आप लोग अपने आप खुद कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको कर दिया है और इतना समय का हमारे पास वो है भी नहीं कि हम सारी चीजें कर पाए यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो सबसे पहले हम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं कि उसका एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो uh, जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ठीक है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर आप देखें तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऐसे है ठीक ठीक है 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 अब इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमें G का कंपोनेंट देखना है, तो ये एंगल थीटा तो ये हो गया मेरा जी कॉस थीटा तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कितना है हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है u स्क्वायर अपॉन नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है g cos थीटा राइट right. अब अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे देखें एट द हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं ठीक है हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है सिर्फ यू कॉस थीटा है सभी लोग जानते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक्सलेशन जी है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ठीक है तो यहां पे ये हो गया मेरा u cos यू कोल बाई g तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इसी तरीके से आप अलग अलग पोजिशनों में अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अब आ जाते हैं और न्यूमेरिकल के सॉल्विंग पे आ, ये कहता है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर

द सम ऑफ टू फोर्सेस पी क्यू इज आर ठीक है तो हम सभी लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू थीटा राइट हम सभी लोग इस बात को जानते हैं तो आर स्क्वायर के बराबर है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्टा ठीक है तो हमारे पास बच गया क्यू प्लस टू पी कॉस्थीटा इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई अब हमसे पूछ रहा है द एंगल थीटा मेक्स द रिजल्टेंट 2p एंड q विद qv ठीक है तो आप सभी लोगों ने शायद ये पढ़ा था अच्छे से सबको ध्यान होगा कि अगर हमारा रिजल्ट uh, ऐसे है पैरेललोग्राम रिजल्टेंट का अगर हमारा पैरेललोग्राम uh, इस तरीके से है तो हम क्या कह सकते हैं भाई ये q है ये 2p है ठीक है और इनका रिजल्टेंट जो है ये हो गया कुछ भी ठीक है r डश लेट अस से द एंगल लेट से इज फाई then 10 phi is equal to q sine theta upon q sine theta with q n sorry is equal to p sine theta is equal to p sine theta upon uh, 2p sine theta upon 2p cos theta plus q right फ्रॉम जीरो आंसर दैट द एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट विद दाइंटी डिग्री राइट कमिंग टू दिन का

ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एस टी इज इक्वल टू जीरो विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी गई है 3 i कैप ठीक है 3 i कैप मीटर पर सेकंड में है एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वेक्टर हमको दे दिया गया है यहां पे 6 i कैप 4 j कैप ठीक है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द y कोऑर्डिनेट इज x हमें निकालना है y जब कितना है बेटे y जब है 32 मीटर्स ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में जीरो है तो हम यूज करेंगे y इज़ इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर ठीक है सो so 32 इज़ इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ayt कितना है फोर इनटू t स्क्वायर ठीक है सो so टू से टू कैंसिल हो गया

इन टी स्क्वायर हो गया सिक्सटीन ठीक है तो ये हो गया मेरा ट्वेल्व प्लस एट यानी तो ये इसका आंसर हो गया मीटर राइट right? तो इट इज जनरल प्रोसेस फॉर स्टडिंग टू डी मोशन यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन राइट नेक्स्ट

ठीक है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है यहां पे हमें एक्स वैल्यू दी हुई है तो चेन रूल लगाते हुए डिफरेंशिएट करते हैं टू एक्स डीएक्स बाई डी टीवल टू टू एस टू बी टी तो टू टू सब जगह से कैंसिल हो जाएगा एक्स dx बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी v प्लस सॉरी वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए टी प्लस राइट तो यहां से आप एक वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के अलग रख लीजिए कि वेलोसिटी की वैल्यू यहां से हो गई 80 प्लस b अपऑन x 80 प्लस b अपऑन x ठीक है इसको फिर से डिफरेंटिएट कर देते हैं प्रोडक्ट रूल और चैन रूल यूज़ करते हुए सो so, d x by d t dot v plus x dot d v by d t is equal to a ठीक है अब dx by dt v और into v v squared हो गया plus x dv by dt acceleration हो गया अब यहाँ पे already एक a पहले से है तो मैं इसको acceleration को a not लिख ले रहा हूँ so a not is equal to a ठीक है तो acceleration a not की value जो आ गई वो आ गई मेरी a minus v squared by x ठीक है v squared की v की value हम लोगों ने पहले से ले, ले रखी है उसी को हम लगा देंगे a minus at plus b upon x

अगला क्वेश्चन देखते हैं आ, ये ये फिर से जनवरी का है इसमें लिखा है एट एम यानी मॉर्निंग का है देखिए एक चीज समझिए कि जो शुरू में तो मैंने इसलिए नहीं कही वरना आप लोग थोड़ा सा हो जाते कायनामेटिक्स से क्वेश्चन हार्डली आता है तो एक ही आता है ना ज्यादा आने का कायनामेटिक्स से बहुत ज्यादा है नहीं क्वेश्चन जो ज्यादा आएंगे वो डायनामिक्स और रोटेशन और वर्क एनर्जी से ज्यादा आएंगे तो आगे आने वाली मैकेनिक क्लासेस जो होंगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हम सभी लोगों के लिए ठीक है क्योंकि वहां पे हम जो सार देंगे आपको वो आपको बहुत हेल्प करेगा तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट विद टाइम टी गिवन एज एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा uh, 10 टेन प्लस एट टी टेन प्लस एट टी माइनस थ्री टी स्क्वायर एनदर पार्टिकल इज मूविंग इन द वाई डायरेक्शन एंड दिस वेलोसिटी वाई इज गिवन एज फाइव माइनस क्यूब

and v2 which is equal to dy by dt is equal to minus 24t squared Theke? now velocity of 1 at t is equal to 1 second at t is equal to 1 seconds Theke? v1 is equal to 8 minus 6 which is equal to 2 and v2 is equal to 24 minus 24 right अच्छा, अब ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए वी वन को हम लिख सकते हैं टू आई कैप और वी टू को हम लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी फोर जे कैप राइट माइनस ट्वेंटी फोर जे कैप नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द स्पीड से

मिल ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कितना होता है हो ठीक एक बार इसको चेक कर लीजिएगा राइट सो दिस इज़ द आंसर इन द केस ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी वन राइट फिर uh, एक क्वेश्चन ये है कि uh, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है एट ई यानी हुआ क्वेश्चन है ये यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ड्रॉप्ड का मतलब हो गया साफ अभी बताया था आपको कि यू इज इक्वल टू क्या है

पता करना है ठीक है तो पहली बात ये इसको ड्रॉप किया गया है ठीक है तो जो h होगा वो होगा u स्क्वायर बाय 2g या आप इसमें टाइम इसमें टाइम के फैक्टर में लिखना है तो आप को लिख सकते हैं h 1/2 gt स्क्वायर राइट right? तो आप इसको लिख सकते हैं 100 1/2 gt स्क्वायर एक इक्वेशन आपकी ये बन गई ठीक है अच्छा लास्ट हाफ सेकंड में ये कितना चला लास्ट हाफ सेकंड में ये 19 मीटर चला यानी जितना भी टाइम था उससे हाफ सेकंड कम में कितना चला 100 माइनस 19 यानी 81 मीटर चला यानी इसको गिरने में पूरा कितना टाइम लग रहा है टी टाइम लग रहा है तो यानी टी टाइम लग रहा है तो उससे आधे सेकंड कम में कितना चला होगा 81 मीटर चला तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि 81 1/2g t का होल स्क्वायर, राइट ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर अब इन दोनों को डिवाइड कर दें हम तो हमें मिलेगा हंड्रेड अपॉन वन इज इक्वल टू टी माइनस हाफ का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। दोनों तरफ रूट उठा ले तो ये हो गया हमारा टेन अपॉन नाइन इज इक्वल टू टी माइनस हाफ अपॉन टी यानी टेन टी इज इक्वल टू नाइन टी माइनस नाइन बाई टू सो टी नाइन टी माइनस नाइन बाई टू ठीक है उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी क्या है ये हंड्रेड तो ये तो ऊपर एट्टी वन आएगा नीचे हंड्रेड आएगा तभी वो निगेटिव में आ रहा है ये था एट्टी वन और हंड्रेड राइट right? तो ये हो गया राइट सो right? so ये हो गया मेरा 90 इज इक्वल टू माइनस फाइव राइट सो टी इज इक्वल टू फाइव हमें जो है जी की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें डाल देते हैं कि हंड्रेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू फाइव स्क्वायर ठीक है तो एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस इन इस प्लेनेट पे जो जी की वैल्यू है वो कितनी है एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट सो दिस इज दिस प्रॉब्लम एक और अलग से क्वेश्चन हम कर रहे हैं ठीक है जस्ट uh, आपको एक कॉन्सेप्ट इलेस्ट्रेट करने के लिए ठीक है ये जेई का तो नहीं है बट ये अलग से हम ऐसी फ्रीली फ्रॉम एन एयरप्लेन फॉर टेन सेकेंड बिफोर द पैराशूट ओपन आउट यानी ये जब हवाई जहाज से गिरता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और ये किसके अंदर गिरता है ग्रेविटी के अंदर गिरता है और कितना गिर जाता है दस सेकंड तक गिरता है उसके बाद ये अपना पैराशूट खोल लेता है जैसा ये पैराशूट खोलता है तब इसको रिटार्डेशन कितनी मिल जाती है 2.5 मीटर पर सेकंड। पैराशूट का काम क्या होता है है भाई? आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में हेल्प करना है ना तो इसको रिटार्डेशन मिल गई मीटर द द ग्राउंड पे रीच करने में कितनी होगी ठीक है तो जब ये प्लेन से कूदा तब इसकी इनिशियल जो थी वो क्या थी जीरो थी और ए कितना था जी था ठीक है जंपिंग फ्रॉम प्लेन जिस समय प्लेन से जंप किया, ठीक है, तो ये दस सेकेंड में कितना गिर गया होगा हाफ जी टी स्क्वायर तो विजय जी को मैं जी को टेन ले रहा हूं चलिए दिया भी हुआ है तो टेन स्क्वायर तो ये हो गया हमारा आ,

प्लस टू ए एस ठीक है स्क्वायर है है जो नीचे की तरफ है, वो कितनी माइनस टू इंटू फाइव इंटू नाइनटीन नाइनटी फाइव ठीक है, uh, है into into 1995, तो ये हो गया मेरा दस हजार दस ठीक है इसको अब आप हम लोग बेसिकली सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा हमें इसकी वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा राइट right? तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं राइट सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग दिस सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मीन एंड एडवांस एंड थैंक यू सो मच meet you will meet you in the next session which will be for specifically we will be doing uh, in mechanics we will be doing dynamics and uh, uh, so we will meet in dynamics thank you so much thank you